जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दुरूद पाक पढ़े। सेकेंड ईयर क्लास लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड चैप्टर को, और 3.8 हमने स्टार्ट की थी, उसका पहला क्वेश्चन कर लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशंस को, उसका सोल्यूशन और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। मजीद उसी को प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट आगे फर्दर जो है हम उसको लेते हैं कि 3.8 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमने उसके सारे पार्ट कर लिए थे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है हमें, डिग्री 1 है इसकी और ऑर्डर भी 1 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन के हवाले से क्वेश्चन लिखा, उसके बाद सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सबसे पहला स्टेप जो है हमने सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, एक्स वाले एक साइड पे, वाई वाले एक साइड पे। दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डेरिवेटिव के अंदर। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट करना है। सिमिलरली वाई को, इसको डी एक्स को इधर ले आया और वाई को इधर ले आए, वन ओवर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होता है हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करना, जो कि बहुत आसान है और हम आसानी से कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, वो होता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इधर भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया, इधर भी इंटीग्रेशन ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने। तो नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है, हम नेचुरल लॉग लिखते हैं इंटीग्रेशन के लिए। ये y के लिहाज से डेरिवेटिव है, डी वाई का मतलब y के लिहाज से डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का। तो अब नीचे वाला फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है, वो है पड़ा, तो नेचुरल लॉग y इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन 1 का जो है कांस्टेंट का, इसके साथ वेरिएबल x आ गया, माइनस है तो ये माइनस x, और प्लस c 1 लिया। c 1 क्यों लिया ये बताता हूँ आपको। तो इसके बाद अगले स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेते हैं, नेचुरल लॉग यानी लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो y is equal to e raise power minus x plus c1, अब बेस e है और इसके पावर है minus x plus c1। तो हमें पता है इस बात का कि बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, तो इनको सेपरेट कर दिया। अब e कांस्टेंट नंबर है, इसके ऊपर भी कांस्टेंट है पावर, तो ये सारा नंबर कांस्टेंट हुआ, तो इसको कांस्टेंट लिख दिया हमने, और ये वैसे का वैसा, ये हमारे पास आंसर है y is equal to e dot e raise power minus x, where c is equal to e raise power c1। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वन अदर अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो हम पहला स्टेप क्या होता है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, इनके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है हमने। इससे टर्म को, दो टर्म दी हुई है, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये माइनस, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ये माइनस हो गई, ये वैसे की वैसे एक्स डी वाई, और ये माइनस वाई डी एक्स हो गया। अब वाई को इधर ले आते हैं, एक्स को इधर ले आते हैं, x इधर चला गया, तो ये 1 ओवर y dy is equal to minus 1 ओवर x dx आ गया। अगला स्टेप ये सेपरेट हो गया, अब ये x वाले सारे, ये सारे y वाले। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने इंटीग्रेशन लेनी है, इधर भी इंटीग्रेशन, दोनों साइडों पे इंटीग्रेशन लेनी है। अब हमें पता है y के लिहाज से y का डेरिवेटिव 1 होता है। सिमिलरली अभी जब पिछले स्टेप में हमने किया है, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है कि y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम उसे नेचुरल लॉग में लिखते हैं इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 1 ओवर x है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 मौजूद है, तो नेचुरल लॉग x में लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस हो गया। और इसके बाद हम जो कांस्टेंट लेंगे वो भी नेचुरल लॉग में लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पूरे इक्वेशन के अंदर सारों के साथ नेचुरल लॉग आ रहा है, तो कांस्टेंट के साथ में हम नेचुरल लॉग लेंगे। तो ये कांस्टेंट के साथ हमने नेचुरल लॉग लिया। अब अगले स्टेप में नेचुरल लॉग x को इस तरफ ले आएंगे, माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर दो नंबर्स का लॉग लिया गया है, लॉग x प्लस लॉग y नेचुरल लॉग y, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम नेचुरल लॉग एक्स वाई लिख सकते हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको अलग अलग करके पॉजिटिव लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इनको इकट्ठा कर दिया। अब इधर भी नेचुरल लॉग, इधर भी नेचुरल लॉग, एंटी लॉग लेके दोनों साइडों पे हम लॉग को खत्म कर देंगे, तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इधर भी एंटी लॉग, इधर भी एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ये हमारे पास आंसर है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, ये भी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है। ऑर्डर और डिग्री के बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप वही, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे हम। dy ओवर dx लिखा हुआ है, 1 - x ओवर y, अब इस y को इधर ले आते हैं, dx को इधर ले जाते हैं, तो
वाई डी वाई और ये डी एक्स इधर आएगा तो वन माइनस एक्स डी एक्स हो गया। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बहुत आसान है, सेपरेट एक ही स्टेप में हमारे पास सेपरेट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन लेंगे, वी गेट इसके साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ इंटीग्रेशन। अब ये दो टर्म्स हैं, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन कर दी। अब y dy इसका इंटीग्रेशन जो है, हमारे पास पावर तो लगाते हैं क्योंकि अंदर वाले फंक्शन का इसकी पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y के लिहाज से 1 होता है, पावर रूल लगाएंगे। क्या पावर रूल कब लगता होता है? अंदर वाले फंक्शन का y डेरिवेटिव हो तो उसके ऊपर हम पावर रूल लगाते हैं, और पावर रूल इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक जमा करके वही चीज नीचे डिवाइड। अब यहां पावर 1 है, इसमें एक जमा करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, y स्क्वायर ओवर 2। सिमिलरली कांस्टेंट का डेरिवेटिव x, x के लिहाज से है तो x हो गया, और इधर माइनस x है तो इसका भी अंदर वाले फंक्शन का बाय डेरिवेटिव है तो पावर लगाएंगे x square over 2, और साथ में प्लस c1 लिया। c1 क्यों लिया है ये आगे बता रहा हूं आपको। ये 2 को जो बटे में 2 है इसको यहां से खत्म करना चाह रहा हूं, इस वजह से पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये y स्क्वायर इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ये 2x और ये x स्क्वायर और ये 2c1। अब ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट होता होता है, तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर प्लस c, और c वेयर c इक्वल टू 2c1। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ये स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन लेनी है, और इंटीग्रेशन बहुत आसान है जो कि हम पहले से सीख चुके हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं। जी क्वेश्चन नंबर 5 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी दी गई है जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। व्हाइल पॉजिटिव, सबसे पहला स्टेप वही है कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। यहां से मैं y को इधर ले आऊंगा और यहां से dx को इधर ले जाऊंगा, तो ये dx पर इधर ले गए तो y dx हो गया, और ये x स्क्वायर को इधर ले आया, यानी इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कहते हैं वो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, x स्क्वायर इधर चला गया, dx इधर चला गया। अब अगले स्टेप में y को इधर ले आया और x स्क्वायर को इधर ले जाए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो गया, ओके हो गया। उसके बाद जनाब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है? जब हम सेपरेट कर लेते हैं, देखिए ये y वाले हैं ये x वाले हैं, तो उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या होता है? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन करते होते हैं, तो इसके साथ इंटीग्रेशन, इसके साथ इंटीग्रेशन। अब यहां से x स्क्वायर को ऊपर ले आया तो इसके एक्सपोनेंट जो है साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस है तो ऊपर माइनस आ गया। पहले हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है? पॉजिटिव 2 है, तो ऊपर आएगा तो हमारे पास नेगेटिव 2 हो गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे जब, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है नेचुरल लॉग में लिख लेंगे, और इधर अंदर वाले फंक्शन का बाय डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 यहां पे है थोड़ा, जिसके साथ कोई चीज नहीं होती तो उसका 1 मल्टीप्लाई होता होता है। तो अब इसके ऊपर पावर लगाएंगे तो पावर में जमा करेंगे, यानी x की पावर है हमारे पास माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1, रूल यही है माइनस 2 प्लस 1, जो चीज ऊपर की है वही चीज पावर नीचे डिवाइड हो जाती होती है। अब माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, उधर भी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया, साथ इसके हम प्लस 1 लेंगे, सॉरी सी 1 लेंगे, प्लस सी 1 लेंगे। सी 1 क्यों ले रहे हैं? इसको मजीद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आने के लिए हमने यहाँ पे सी 1 लिया, तो नेचुरल लॉग बाय इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये पावर माइनस में नीचे आके प्लस हो जाएगी और ये नेगेटिव हो गया प्लस सी 1। सिमिलरली आप दोनों तरफ जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ ये हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y = e टू रेज पावर, ये सारे के सारा e की पावर बन जाएगी, लॉग खत्म हो गया, y = टू ये एक्सपोनेंशियल लॉग के मुताबिक e की पावर c1 और डॉट e की पावर माइनस 1 ओवर x, ये 1 ओवर x है, 1 ओवर x, ये भी 1 ओवर x है, तो ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होती है तो ये सी आ गया e की पावर माइनस एक्स और वी आर सी इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स। ये इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक हमने आज सॉल्व किए हैं बेटा, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।